इस सब के बीच में ईरान से परमाणु टेंशन, टारगेट पर वॉशिंगटन। ये बड़ी खबर है क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति थोड़ी देर में जनता को करेंगे संबोधित। बड़ी खबर, ड्रोन हमले पर पहली बार बोल सकते हैं इब्राहिम रईसी। ईरान की मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। ईरानी विदेश मंत्रालय की अमेरिका को धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका की आक्रामकता बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईरान ने कहा। ईरान पर खतरा हुआ तो माकूल जवाब देंगे, विदेश मंत्रालय ने कहा। ईरानी परमाणु प्रोग्राम पर ब्लिंकन की धमकी के बाद बयान। ब्लिंकन ने कहा था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेंगे। सवाल खड़ा यह होता है कि क्या अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ने वाली है? क्या ड्रोन हमले के बाद मिडल ईस्ट में तबाही आएगी? ईरान ने अमेरिका को युद्ध की चेतावनी क्यों दी है? ये रिपोर्ट देखिए। ड्रोन हमले के बाद भारी तनाव में ईरान। क्या मिडल ईस्ट में आएगा जंगी तूफान? ईरान में शनिवार की आधी रात 6 शहरों में ड्रोन हमले हुए थे। ईरान के इस्फान शहर में डिफेंस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया था। इसके ठीक 24 घंटे के अंदर सीरिया बॉर्डर पर ईरानी हथियारों के ट्रकों को टारगेट किया गया था। ईरान पर ये दो भीषण हमले ऐसे हुए जिसके बाद तेहरान की बौखलाहट सातवें आसमान पर पहुंच गई। रईसी सरकार ने पहले तो इसराइल को धमकी दी और अब सीधे अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। न्यूज़वीक से बातचीत में ईरानी अधिकारियों ने साफ कहा कि इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ अमेरिका ने अगर किसी भी तरह का सैन्य विकल्प तलाशा तो इसका नतीजा खतरनाक होगा और ये ऑल आउट वॉर में भी तब्दील हो सकता है। ईरान की बौखलाहट की वजह है वॉल स्ट्रीट जनरल और न्यूयॉर्क टाइम्स की वो रिपोर्ट जिसमें अमेरिकी सेना के कुछ अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि हमले के पीछे अमेरिका के सहयोगी देश इसराइल का हाथ है, जिस पर इसराइल ने ना तो हाँ कहा है और ना ही इनकार किया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन टारगेट पर ईरान के परमाणु संयंत्र थे और इसके जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ब्रेक लगाने की एक कोशिश की गई थी। ईरान को इसीलिए अमेरिका पर शक ज्यादा हो रहा है और अगर ईरान के हाथ इससे जुड़े कुछ सबूत भी लग गए तो वो अमेरिका को इसका जोरदार जवाब दे सकता है।